पूरा कंसंट्रेट चैप्टर फोर का एक्सरसाइज का एट अ क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनोइड की लेंथ दी हुई 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर हैज फाइव लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स 400 टर्न्स टर्न्स हैं 400 लेकिन पांच बार वाइंड किए हुए फाइव लेयर्स हैं तो टोटल टर्न्स हो जाएंगे फाइव लेयर्स इंटू 400 दे बिकम्स 2000 टर्न्स द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर डायमीटर दिया लेकिन डायमीटर लेंथ के हमें बहुत नेग्लिजिबल है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई में बी सेम म्यू नॉट सेम जो स्मॉल एन है वो उसकी फॉर्मूला होती है कैपिटल एन अपॉन लेंथ इनटू आई म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इनटू 10^-7 नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2000 डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 0.8 और करंट की वैल्यू कितनी है 8 तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा 4 × 3.14 × 2000 डिवाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये वैल्यू बड़ी वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 251200 10^-7 है तो 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगा 2.51 10^-2 टेस्ला तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्लियर ये था एक्सरसाइज का 8 नंबर अब हम करें एक्सरसाइज का 9 नंबर करेंगे पूरा कंसंट्रेट नंबर 9 9 नंबर में क्या है स्क्वायर कॉइल ऑफ लेंथ ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉइल है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स कितने टर्न्स हैं 20 कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पीयर आई कितना पास हो इनमें से 12 एम्पीयर द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन Angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. जो coil है वो theta बना रही 30 का किसके साथ एक external magnetic field है जिसकी value है 0.8 tesla. What is the magnitude of torque? हमें find करना torque कितना होगा. तो torque का magnitude हमने पढ़ा है tau is equal to bina sin theta. इसमें टाउ सेम बी बी एज इट इज आई एज इट इज एन एज इट इज ए मतलब एरिया तो एरिया किसका तो लूप अपना स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर इनटू साइन थीटा अब हम वैल्यू पुट करें यहां मैं लिख देता हूं यहां पे एरिया क्या है एल स्क्वायर है यानी किसकी एरिया है स्क्वायर लूप की इसमें बी जो है मैग्नेटिक फील्ड 0.8 है आई मतलब करंट तो करंट की वैल्यू हमें दी हुई है 12 एम्पियर टर्न्स दिए हुए हैं 20 एल स्क्वायर एल है 0.1 उसका स्क्वायर और थीटा है यहाँ पे 30 तो साइन 30 होता है 1/2 तो इसको हम सॉल्व करें तो 0.8 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 0.1 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में है इसीलिए और फिर साइन 30 का 1/2 है तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं डायरेक्ट तो टॉर्क की वैल्यू मिलेगी 0.96 न्यूटन मीटर तो ये बन गया तुम्हारा टॉर्क 0.96 न्यूटन मीटर अब हम ट्राई करेंगे नंबर 10 एक्सरसाइज का नंबर 10 पूरा कंसंट्रेट 10 नंबर पे क्या दिया है
two moving coil galvanometers M1 and M2 have the following particulars: resistance 10, numbers 30, A area or magnetic field, same R2, N2, A2, B2, मतलब दो galvanometers हैं, दोनों की values दी हुई हैं. The spring constants are identical for the two spring, दोनों का K same है, spring constant same है. Determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M2 by M1. हमें find क्या करनी है? Current sensitivity and voltage sensitivity. सबसे पहले बात करते हैं रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, दोनों की करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है. लेकिन याद रखना 1/2 नहीं, M2/M1. ठीक है, तो पहले हम M2/M1 की बात करते हैं. अब करंट सेंसिटिविटी फॉर्मूला थी BAN/K. सेम यहां भी आएगा BAN/K. इसमें B2, A2, N2, B1, A1, N1. ये M2 मतलब M2 के लिए, M1 के लिए. याद रखना M2 इंडिकेट मीटर 2, M1 इंडिकेट मीटर 1. तो मीटर 2 का करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय मीटर 1 का करंट सेंसिटिविटी. और करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला हमने लिखवाई थी, तो मैं याद होगी Φ/I इज इक्वल टू BAN/K. याद रखना, तो याद रखो बैंक, BN डिवाइड बाय के, यानी बैंक. लेकिन यहाँ पे K का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. यहाँ बोला है स्प्रिंग कांस्टेंट का आइडेंटिकल, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे हमने. फिर वैल्यू पुट कर देते हैं B2 यानी मैग्नेटिक फील्ड 2 का 0.5. ठीक है, मैं नीचे डालता हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, मैं नीचे की वैल्यू देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ. चलो B2 0.5. एरिया 2 का एरिया कितना है 1.8 × 10⁻³. और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 42. डिवाइड बाय B1 है 0.25. एरिया 3.6 × 10⁻³ और टर्न्स हैं 30. चलो सॉल्व करके देखते हैं. इसमें 10⁻³ तो गया, इसको 1 बार लगेगा टेबल, इसको 2 टाइम्स लगेगी टेबल. ठीक है, इसमें इसको भी 1 टाइम्स लगेगी, इसको 2 टाइम्स लग जाएगी. तो सिंपल बात है, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 42/30 बचेगा. और 42/30 अगर बचता है तो इसमें भी टेबल लग जाएगी. कौन सी टेबल लगेगी? 6 की लगेगी, ऊपर आएगा 7 टाइम्स, नीचे आएगा 5 टाइम्स. यानी M2/M1 क्या मिलेगा 7/5, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30. तो ये बन गया करंट सेंसिटिविटी का रेशियो 7/5. फिर हम फाइंड करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो. यानी अभी हम क्या फाइंड करेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो. अब तुम्हें याद होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी में नीचे खाली R एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगी? M2/M1 इज इक्वल टू B2 A2 N2 डिवाइड बाय KR2 और नीचे B1 A1 N1/KR1, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी Φ/V होता है, उसमें फॉर्मूला सेम होती है बैंक, लेकिन आर लग जाता है, नहीं बैंकर बन जाता है. के तो दोनों में कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं M2/M1 इज इक्वल टू B2 A2 N2 R1. ये R1 ऊपर आ जाएगा और नीचे B1 A1 N1, नीचे आ जाएगा R2, R1/R2 अलग से हो जाएगा. तो ये जो वैल्यू है B2 A2 N2/B1 A1 N1, ये तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था 7/5, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं. तो ये तो हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय R1/R2. R1 था 10 दिया हुआ है ऊपर, R2 दिया 14. तो 7 की टेबल इस पे कितनी बार लगेगी? 2 टाइम्स. 5 की टेबल इस पे 2 टाइम्स लगेगी. 5 1 जा 5, 2 जा 10, तो 2 2 कैंसिल, यानी आंसर आएगा 1
रेशो वन, मतलब कि वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों की सेम है, वो कितनी है, 1:1। क्लियर? तो ये था तुम्हारा रेशियो, पहले हमने लिया करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो।